अस्सलाम वालेकुम माई टू फैमिली, वेलकम करते हैं आपको अपने व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है ना, वो होने वाला है बहुत ज़बरदस्त। यानी कि आज का जो व्लॉग है उसके अंदर बहुत हमें मेहनत भी करनी है और बहुत सारे तो ये है यहाँ पर डालें और यहाँ पर जो है ना ये बनाते हैं और शेयर करते हैं हम आपके साथ। रख दिए हैं ढेर सारे बर्तन, तो अभी सामान देखकर जो है ना आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सारा सामान किस लिए है। तो ये अभी यहाँ पर सारी जो है ना मैंने दालें निकाल ली हैं। इसके अंदर आई थिंक गेहूँ है, हाँ गंदम है। तो अभी इसको जो है ना साफ़ कर लूँ। अभी ये सब सामान निकालने के बाद साफ़ करके रख देंगे, फिर भाई आने के बाद बताएंगे कि इसको किस किस तरह से भिगोना है। सबसे बड़ा बच्चा मैदान में आ गया काम करने के लिए हैं। अच्छा आप अपनी स्माइल तो दिखा दें, खुशी की इंतहा, ये खुशी की इंतहा। अल्लाह ये आप मेरे लिए काम बढ़ा रही हो या मेरी हेल्प कर रही हो? अल्लाह मेरे छत के मेरे बच्चे ने देखो कितना नीचे। बस हाँ इशाल गिराओ बेटा ताकि बाबा उठाएं आपके, छोड़ना ज़रा इसके हाथ को, देखो ये क्या कर रही है। हाँ ये गिराएगी और फिर फैलाएगी, अभी मेरे साथ यही कर रही थी। दालें भिगो दी थी, इसके बाद जो है ना गोश्त लेने के लिए भाई के साथ। अच्छा मुझे पता ही नहीं था कि भाई जो है ना गोश्त लेने जा रहे हैं तो मुझे साथ लेकर जा रहे हैं, तो वो मुझे ही उठा कर लाना है। तो ये जो है ना एक भाई के दोस्त थे कसाई, और इन्होंने जो गोश्त दिया था ना बड़ी अच्छी उसकी बोटियाँ बना के दी थी, और बगैर पानी वाला गोश्त दिया था। जो रख दो इसको, रख दो पतीले में, रख दें इसके अंदर पकेगा ना तो इसी के अंदर हो जाएगा सही। वो उसने कसाई ने दे दी ना इसमें हड्डियाँ दी, तो अब ये कह रहा है ये हड्डी गुड्डी में डाल लेना, इसमें है हड्डी वो धुली नहीं है कहीं। हाँ हाँ ऐसे भी भाई हम जो है ना यहाँ पर गोश्त लेकर आ गए हैं, और इसके बाद ये दालें जो हैं ये रखनी एक साइड पर, और चने की दाल भिगो रही हूँ साथ में गंदम और जो ये भिगो देने मुझे। इसमें क्या चावल मिक्स कर दिए हमारी गुड़िया ने। का काम इन्होंने लेडीज़ को दिया है, हो जाता है, लेकिन ये प्याज ब्राउन करके डालेगा। ये उठा लो शॉपर वहाँ धोने के लिए, इसमें पानी भरो फिर गोश्त थोड़ा थोड़ा डालकर धोते जाओ। मैं धो दूँ धो लोगे? चलो मैं धो देती हूँ, है इजी है धोना। कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है कसाई बनना? ये ऑयल कितना डाला है? ये भी 1 किलो तेल इसमें डाला है, बाकी है ना ये 1.5 किलो प्याज है। 1 किलो ऑयल, 1.5 किलो प्याज डाल दो। नौजी साफ करने के लिए ये और जी यहाँ पर जो है ना ये कोरमे की तैयारी चल रही है, भाई गए थे नमाज पढ़ने के लिए तो स्टार्ट ले लिया था उन्होंने, ऑयल डाला प्याज डाला, इसके बाद इसको मैं कर रही थी फ्राई जब तक भाई वापस आ गए थे नमाज पढ़कर। इसमें ना थोड़ा पानी डाल के डाल देना, जब पानी डालोगे ना तो ये थोड़ा हल्का होएगा वरना अभी बहुत भारी रहेगा। लाल मिर्चें, अच्छा सारा सामान तो नुशाद भाई ने अपने हिसाब से दे दिया ना, एक देख का डाल दो, डाल दो डाल, एक मिनट और आ रही है ना देखो मैं डालूँगी, देख मैं हाँ। देख मैं क्यों डालता है? जैसे देख में डाल देते हैं ना तो ऊपर इसकी लेयर बन जाती है, उससे स्टीम बन जाती है। गरम मसाला पीस कर डाला था तो पीस कर डालना है, बस ये पानी मिला कर दे रही हूँ। अब ये चलेगा आराम से, इजीली चलेगा, भारी काम तो नहीं है, ज़्यादा भारी तो नहीं है, बस अब लगा देनी है।
रख दोगे इनको धो के वहाँ पर? ईशा की नमाज के फौरन बाद जो है देगे चढ़ा दी थी, और ये जो है सबसे पहले स्टार्ट लिया था अली भाई ने। और भाई पूरी हलीमे ना सिर्फ दो ही क्लिप जो है, एक ये दाल डालते हुए और नहीं, मेरे ख्याल एक ही क्लिप बना है ये दालें डालते हुए, इसके अलावा कोई क्लिप जो है ना वो सही इन लोगों ने नहीं बनाया। बाकी एक ये मेहनत थी इनकी भाई, घुटाए उठाए की सब, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। जिस दिन बनाया है उस दिन तो मैंने नहीं खाया था, मैंने तो दूसरे दिन खाया था, लेकिन ये अब बाहर जो है ना सारी मेहनत भाई वालों की है। और यहाँ पर जो है ना घोटे लग रहे हैं भाई के, माशाल्लाह से अच्छे खासे फ्रेंड्स आए थे तकरीबन कोई 15-20, तो इसलिए थकन नहीं हुई। और जो ये देगे थी ना इनके अंदर, इन्होंने घोटा लगा लिया। अच्छा भाई, मैंने अभी खोल कर देखी ना, मैंने कहा ये कम कैसे है, फिर मैंने कहा शायद उसने दे दी होगी ना। तो देख थोड़ी ना लेकर जाएंगे। चलो अच्छा मैं आ रही हूँ, करवाती हूँ पैक। बातें जब पता चला होगा तो शायद इसलिए क्या होगा। लाओ दो। कैसा करना है? वैसे माशाल्लाह से हमारे घर का ना बनता अच्छा ही है। फिर ये देना कब है? हमने सुबह सुबह ही जो महल्ले में बांटना था ना वो हमने सुबह ही बांट दिया था, और फिर बाकी जो दूर का था ना वो मेरा भतीजा है, मेरे कज़न और मेरी फुप्पो का घर, तो वहाँ हम देने जा रहे थे। तो ये हमारी गुड़िया आ गई थी दादा के साथ, ये हमारी नन्ही मुन्नी गुड़िया। इसको जो है बहुत तेज़ फीवर था, इतना जो है ना नज़ला खांसी, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना टुन हुई हुई है। तो ये अब्बू इसको बाहर लेकर आ गए थे ताकि थोड़ा सा जो है ना फ्रेश हो जाए, क्योंकि घर में तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और जी यहाँ पर सबसे पहले जो है गुलशन में मेरे भतीजे का घर आता है, तो सबसे पहले हम उनके घर गए थे। ये जी मेरे भतीजे का शॉपर है हलीम का, जो कि मैं इसको देने के लिए आई हूँ। तो अभी भाई वाले जो हैं वो नीचे ही हैं, क्योंकि हमें आगे भी जाना है, तो मैंने कहा अभी आप जो है ना बैठो, मैं देख कर आती हूँ। और जी आ गया है इनका घर। बेल दिए भाई, खोल दो गेट, खोल दो। बेल बजा ली हमने। ये मेरा क्यूट सा भतीजा जिसके पास मैं आई हूँ। अब मेरा दुपट्टा दे दीजिए जल्दी से। जी भाई जी, जिसको राशन चाहिए ना यहाँ से आ जाए, मेरा भतीजा बांट रहा है। ये पेपर में दे रहो। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लगते हो ने? लो मैं दुपट्टा दे दो। कहाँ चलेंगे? दुबई? मैं दुबई थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो नीचे अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। है नहीं अंदर? अंदर है अम्मी, इसके सर पर तो हाथ रख दे। नहीं आ रहे आप लोग? नहीं जा रहे हैं। और अच्छा नहीं लगता ना, खुद आकर दे तो एक अलग बात है। हाँ अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, दूसरे लिए अल्लाह आपको भी बहुत अच्छी अच्छी दे। और जी सब लोगों को देकर हम फारिग हुए, और ये हमारा जो है वापसी का सफ़र जो है स्टार्ट है, और हम घर पहुंचने वाले हैं। रात के 11 बजे का टाइम है, और थकन से हालत इतनी बुरी हो रही थी ना, क्योंकि पूरा दिन तो जो है वो दालें चुनना, भिगोना, और उसके बाद गोश्त लेकर आए हलीम वो बनाना, सॉरी हलीम तो बनाया था भाई लोगों ने, घुटाई उठाई उन्होंने की थी, बहरहाल अंदर कौरमा बनाना, 10 काम होते हैं।